हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके फेस का स्किन या आपके बॉडी का स्किन पहले के मुकाबले धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है? पहले आपका जो स्किन है वो फेयर हुआ करता था, लेकिन अब जो आपका स्किन है वो धीरे धीरे सांवला डार्क होता जा रहा है। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपका ये प्रॉब्लम नेचुरली सॉल्व करने वाला हूँ। सिर्फ दो चीज़ें मैं आज मैं बताऊँगा, एक चीज़ नेचुरल है और एक चीज़ आपको बाजार से खरीदनी पड़ेगी, या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुका हूँ, आप जाके उसे चेक कर सकते हो अभी ये बताने के बाद। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं दिखते सुबह। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपका स्किन है, आपके फेस का स्किन हो या पूरे बॉडी का स्किन हो, जो पहले फेयर हुआ करता था और अब धीरे धीरे डार्क सांवला होता जा रहा है, तो उसे रोकने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको गाइज सोप अवॉइड करना होगा। जो हमारा जो सोप होता है गाइज, बहुत ज़्यादा हार्श होता है। और अगर आप सोप यूज़ करना चाहते हो तो ऐसा सोप यूज़ करो जो ज़्यादा हार्श ना हो। जो हम लोग साबुन यूज़ करते हैं गाइज, वो हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है और इसी की वजह से हमारा जो स्किन है वो धीरे धीरे डार्क होने लगता है पहले के मुकाबले। तो फ्रेंड्स, आप कम हार्मफुल सोप तो आप यूज़ कर सकते हो, साबुन यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक अच्छा सा बॉडी वॉश यूज़ करो, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। बॉडी वॉश मैं इसलिए यूज़ करने के लिए कह रहा हूँ गाइस, क्योंकि जो हमारा बॉडी वॉश होता है उसका हमारे स्किन से पीएच बैलेंस्ड रहता है। बॉडी वॉश में लिखा हो रहता है पीएच बैलेंस्ड। अगर आपका बॉडी वॉश पीएच बैलेंस्ड है तो आपका स्किन डार्क नहीं होगा। पीएच बैलेंस्ड ना होने के कारण ही हमारा जो स्किन बॉडी वॉश सोप लगाते लगाते हमारा स्किन जो है वो डार्क होने लगता है। इसलिए हमें सोप कम से कम यूज़ कीजिए, और बहुत अच्छा रहेगा कि जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वो बॉडी वॉश यूज़ कीजिए, वो बहुत अच्छा और नेचुरल बॉडी वॉश है। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने बॉडी वॉश यूज़ करने के लिए बताया वो स्टेप टू था। स्टेप वन तो कुछ और ही है कि स्टेप वन जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको करना। आपको ऑलिव ऑयल यूज़ करना है। तो ऑलिव ऑयल का क्या करना है, तो आपको रोज़ रात में सोने के टाइम ऑलिव ऑयल से अपने पूरे बॉडी पे मसाज करना है, पूरे अच्छे से मसाज करना है। ऑलिव ऑयल गाइस एक नेचुरल तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, जिसे हम अपने स्किन को फेयर बना सकते हैं, अपने स्किन को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है गाइस। हमारे स्किन सोप से, साबुन यूज़ करने से जो हमारे स्किन ड्राई हो जाते हैं, वही हमारा ऑयली ऑयल जो है हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। इसलिए हमें अपने स्किन पे ऑयली ऑयल का मसाज करना चाहिए। अच्छा सा ऑयली ऑयल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, अब वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑलिव ऑयल और बॉडी वॉश डेली यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो तो आपका स्किन का पीएच बैलेंस रहेगा और आपका स्किन ड्राई नहीं होगा, आपका स्किन हमेशा हाइड्रेटेड रहेगा और आपका स्किन डार्क भी नहीं होगा। और फ्रेंड्स, जो भी चीज़ों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस चीज़ को मैं खुद यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत अच्छा है। मैंने यूज़ किया है, मेरे स्किन पे पहले के मुकाबले बहुत फेयरनेस आई है। मैं कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ आपको, ये थी मेरे पहले की स्किन, अब मेरे स्किन ऐसी हो गई है। तो इसलिए इन दोनों चीज़ को आप यूज़ कीजिए। बॉडी मसाज गाइज आप उसे फेस पर भी लगा सकते हो। ऑलिव ऑयल हमारे फेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, वो पूरे स्किन के लिए अच्छा होता है। तो बस गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।